नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम अपना NTPC CBT 2 का जो एग्ज़ाम देकर आए हैं उसका एक्सपीरियंस बताने आए हैं कि मैथ कैसा पूछा, मैथ में क्या क्या पूछा, मैथ में क्या डिफ़िकल्ट था, ग्रुप डी के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस सभी मुद्दे पर हम आज बात करने वाले हैं। आपको आज हम डराने नहीं आए हैं, जगाने आए हैं, समझाने आए हैं कि मैथ में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। जो भाई मेरे इस चैनल पर नए हैं, अपने भाई के लिए इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है NTPC CBT 2 मैथ लेवल। मैथ का क्या लेवल था, ग्रुप डी के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पूछा है मैथ में तो कैलकुलेटिव मैथ बहुत पूछा है। सब कोई परेशान था। आपको मैथ आता है बनाने के लिए, आप चाहिएगा तो 100% मैथ वो बनेगा, लेकिन इतना टाइम ले लेगा कि दूसरा सब्जेक्ट आप नहीं बना पाइएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा पूछा था नंबर सिस्टम, भिन्न से, दशमलव से, बोडमास से, बेसिक मैथ बहुत ज़्यादा पूछा था। इस सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जितना मेरा पार्ट से इसको बेसिक मैथ पूछा जाता, बोला जाता है। जोड़ घटाव, गुना, भाग, दशमलव, दशमलव सब डालकर 8 से 10 क्वेश्चन पूछ रहा था। पूरा कैलकुलेटिव था, पूरा लंबा लंबा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। आप चाहिएगा तो 100% बनाइएगा, लेकिन उसके बनाने में आपका टाइम पूरा खत्म हो जाएगा। तो इससे 8 से 10 पूछ रहा था। CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 क्वेश्चन पूछ रहा था। और वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा था, ज़्यादा करके हम लोग 2 साल 3 साल 4 साल का पढ़ कर जाते हैं कि जल्दी कैसे निकालें, वो पूछ रहा था 1.5 साल 2.5 साल 3.5 साल का कैसे निकालेगा। देखिए मैथ का लेवल क्या रखा था, उससे 2 क्वेश्चन पूछ रहा था। साधारण ब्याज से भी वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा था 2 साल के लिए, क्योंकि मूलधन और ब्याज दशमलव में देता था, इसको बनाना थोड़ा टफ होता था। घटाएं क्यों करने से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता था। औसत से 1 से 2 क्वेश्चन, माध्यमिका बहुलक से 2 क्वेश्चन पूछता था, दोनों बहुत आसान होता था, बन जाएगा। लाभ हानि से भी 2 पूछता था, लेकिन ये दशमलव वाला पूछता था। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आता था, आसानी आता था। त्रिकोणमिति से किसी में 1-2 पूछता था, किसी शिफ्ट में नहीं पूछता था। ज्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता था। एवरेज यानी आयु निकालने वाला 2 क्वेश्चन पूछता था, और थोड़ा वो लेंदी रहता था, लंबा रहता था। समय और कार्य से 2 क्वेश्चन हर हाल में आता था, जिसमें 1 क्वेश्चन बहुत आसान होता था और 1 थोड़ा डिफिकल्ट होता था। समय और दूरी से 1 या 2 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में पूछता था, किसी में नहीं पूछता था। अनुपात समानुपात से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता था। ग्राफ 2 क्वेश्चन पूछता था आपका, दोनों में 1 आसानी से बन जाएगा, 1 थोड़ा सा लेंदी था। प्रतिशत से भी 2 क्वेश्चन पूछता था। तो अब हम आपको बताने वाला है कि फोकस कहाँ करना है ग्रुप डी के लिए। जोड़ घटाव गुना भाग करने का खूब प्रैक्टिस करना है। वर्गमूल भी पूछ रहा था, तो रूट वाला, रूट 5 + √3 + √2, इसका दशमलव में वर्गमूल निकाल कर जोड़ना था। तो आपको खूब पूरा डीपली नहीं पढ़ना है, एकदम बेसिक को पूरा स्ट्रांग करना है, कैलकुलेशन करने के एकदम स्पीड बनाना है। आपका जो ग्रुप डी में मैथ पूछेगा वो आपसे 100% बनेगा। आपका जो ग्रुप डी का खूब सेट मारिए और थोड़ा स्पीड को बढ़ा कर रखिए। मैथ में ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब आपसे बन जाएगा 100%, लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लिए तो आपका लाइफ मैनेजमेंट है। इसीलिए बोला जाता है कभी भी टाइम को मेंटेन कीजिए। अगर इस मैथ बनाने में अगर आपके पास स्पीड है तो 100% रिजल्ट होगा। रीजनिंग का भी ऐसा ही है। अगला वीडियो में हम रीजनिंग के बारे में बताने वाले हैं। जो भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अपने भाई के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट करके बताना है कि आज का डिस्कशन कैसे लगा। धन्यवाद।